दत्ता जी, मैं कहूंगा कि अब राजनीति में एक छोटे से बच्चे हैं और दूध के दांत हैं, और इतना बड़ा बयान देना, जिसका अपना घर शीशे का बना हो वो इतना बड़ा बयान दे तो वो कोई किसी के गले उतरता नहीं। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से उनको कि सीबीआई की रेड उनके घर में लगी। क्यों? आपने सेम स्कूटर में ढोया, वैनों में ढोआ, क्यों? आपके ऊपर डिसरेस्पेक्ट का केस लगा, अनसेस्ट वेल्थ का केस लगा, ईडी ने आपको बार बार ग्रिल किया, मुख्यमंत्री रहते हुए आपके पिताजी, तब आपने इस्तीफा क्यों दी? आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे और 5 साल लगातार दिल्ली के आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहे, तब विक्रमादित्य सिंह को यह मोरालिटी याद क्यों नहीं आई? जिस मोरालिटी की बात करके आज ये विक्रमादित्य नहीं और बाकी कांग्रेस के नेता भी जो आज ये आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके समय में क्या नहीं हुआ? एक्साइज के अंदर 200-250 करोड़ का ब्रिवलिस का जो इन्होंने कॉरपोरेशन बनाया था, वो केस अभी चल रहा है। इनके बच्चों को नौकरियां कॉपरेटिव बैंक्स में, उसका केस अभी चल रहा है। आज मैं अगर खोलने लगूं खुलासे, इन्होंने जो 5 साल में घोटाले किए हैं, और आज मैं बड़े फख्र के साथ इस बात को बोल सकता हूं कि आज आदरणीय जयराम ठाकुर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इज नोन फॉर ईमानदारी। किसी को बख्शने का कोई चांस ही नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, जो भी इस रेड के रडार में आएगा उसको स्पेयर नहीं किया जाए। तो यहां पे फिर किसी को शील्ड करने का क्या मतलब हुआ? और चीफ मिनिस्टर के रिजाइन मारने का क्या मतलब हुआ? जिस मुख्यमंत्री ने इमीडिएट जो है एक्शन लिया, इमीडिएट उसका संज्ञान लिया, इमीडिएट बंदा अरेस्ट हुआ, बिहाइंड द बार्स गया और पूरी इन्वेस्टिगेशन ऑन। इसलिए आज मैं आपके माध्यम से केवल यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उनकी तरफ उंगली उठे, ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके लिए मुख्यमंत्री को रिजाइन करना पड़े। हम बिल्कुल हर बात के लिए आंसरेबल हैं, और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस भी हर बात के लिए आंसरेबल रहे, यही मुझे आज। विशेष सत्र की बात हुई थी, बिल्कुल हुई थी, और हमने पर जिस तरीके से उसका पॉलिटिकल टूल बनाने का प्रयास किया गया, हम उसके खिलाफ थे। हमने बड़ा स्पष्ट कहा था कि मैं जो हमने काम किया, जो हमारी सरकार ने काम किया, जो हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया, वो पार एक्सीलेंस पे, हम उसको किसी भी फोरम में डिस्कशन नहीं किया। विधानसभा का फोरम सबसे बड़ा फोरम होता है, कि उन्होंने इस किस्म का एक माहौल बनाने का प्रयास किया कि शायद हम उस फोरम को अवॉइड करना चाह रहे हैं। हम ऐसा कोई अवॉइड नहीं कर रहे, जब भी विधानसभा लगे, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, सितंबर अक्टूबर तक, जब भी अगस्त में तो वैसे भी विंटर अपना मॉनसून सेशन ड्यू है, जब भी लगेगी हम आपको फ्लोर ऑफ द हाउस बताएंगे कि हमने क्या किया और इन्होंने क्या किया। इन्होंने इस कोविड की लड़ाई में 1% का योगदान नहीं दिया।